मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिल गया है, अब इंतजार है तबादला नीति का। आसार है कि नई तबादला नीति 20 अगस्त को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में मंथन के बाद हो जाएगा, इस पर फैसला हो जाएगा। हालांकि फिलहाल ये तय नहीं है कि ट्रांसफर पॉलिसी सरकार लाएगी भी या नहीं, और अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आती है तो तबादलों से प्रतिबंध हटेगा या नहीं, ये भी तय नहीं है। नई ट्रांसफर पॉलिसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्तर पर फैसला होना बाकी है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलने के साथ ही नई ट्रांसफर पॉलिसी भी आ जाएगी, लेकिन अब इसका इंतजार और लंबा होता जा रहा है। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सरकार मई या जून के आखिर तक ट्रांसफर पर से रोक हटा देती थी, लेकिन इस बार आधा अगस्त बीत चुका है लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी का कोई अता पता नहीं। अब इसका नुकसान देखें तो सामान्य तौर पर देखने में आया है कि सरकार कर्मचारियों की सुविधाओं को देखकर मई या जून में तबादलों पर से प्रतिबंध हटा देती है। ऐसा होने पर तबादलों की स्थिति में अधिकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने में आसानी होती थी, लेकिन इस बार काफी देर हो चुकी है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD ने नई ट्रांसफर पॉलिसी का खाका खींच लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से मामला अटका हुआ है। सूबे में इस बार बड़ी संख्या में थाना प्रभारी, तहसीलदार और पटवारियों के भी तबादले करने की तैयारी है, साथ ही शिक्षा विभाग में भी बड़े स्तर पर बड़े बदलाव किए जाने हैं। अब पिछली तबादला नीति की बात करें तो शिवराज सरकार के कार्यकाल में ट्रांसफर पॉलिसी 15 से 30 जून तक के लिए लागू की गई थी, जिसमें जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर हो रहे थे, जबकि जिले के बाहर और विभागों में तबादलों पर मुख्यमंत्री की अनुमति की जरूरत पड़ती थी। पिछली तबादला नीति के हिसाब से 201 से 2000 तक के कैडर में 10% से ज्यादा तबादले नहीं हो सकते थे, जबकि किसी भी कैडर में 20% से ज्यादा तबादले नहीं किए जा सकते थे। पिछली तबादला नीति में जिले में प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर हो सकते थे, साथ ही स्टेट कैडर में विभाग अध्यक्ष और फर्स्ट क्लास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद GAD करता था। इधर हाल ही में सोशल मीडिया पर 6 पन्नों का एक लेटर वायरल हुआ था, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा था कि प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो चुकी है। यह लेटर बड़ी तादाद में अधिकारी कर्मचारियों तक पहुंच भी गया था, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि लेटर वायरल होने के बाद सरकार के जनसंपर्क विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी। जनसंपर्क विभाग ने वायरल लेटर को पूरी तरह फर्जी बताया। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया है। वहीं द सूत्र की पड़ताल में भी वायरल लेटर गलत साबित हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल लेटर में 2024-25 की ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र था, जबकि मोहन सरकार ने अब तक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 20 अगस्त को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग के बाद कोई फैसला हो सकता है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।